विक्रम भीम। साउथ की सबसे बड़ी मूवी जिसका नाम है ट्रिपल आर, और ये मूवी डे बाय डे और भी बड़ी होती जा रही है। और अब इस मूवी से तीन बड़े सुपरस्टार का नाम जुड़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आमिर खान, विजय सेतुपति और चिरंजीवी इस मूवी में एक अहम रोल अदा करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसके बाद ट्रिपल आर मूवी की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है। और ये तीनों सुपरस्टार कौन सा रोल अदा करेंगे, ये तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही। और साथ ही साथ इस मूवी की रिलीज डेट को भी लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिनों पहले ट्रिपल आर मूवी का दूसरा टीजर लॉन्च किया गया था, जिसमें हमें जूनियर एनटीआर नजर आए थे, लेकिन उनके लुक को लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ था। और एसएस राजमौली जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उनको भी धमकी मिली थी कि अगर ये सीन मूवी से नहीं निकाला गया तो इस मूवी को थिएटर में नहीं चलने दिया जाएगा। लेकिन डायरेक्टर एसएस राजमौली की तरफ से इस पर अभी कोई सफाई नहीं आई है और कोई जवाब भी नहीं आया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि ट्रिपल आर एक एक्शन पीरियड ड्रामा मूवी है जो कि दो बड़े योद्धाओं पर आधारित है। उनमें से एक है अल्लूरी सीताराम राजू और दूसरे हैं कुमारम भीम। फिलहाल ट्रिपल आर मूवी की शूटिंग जोरों से चल रही है और इस मूवी की शूटिंग को 1 से 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन अब इस मूवी से जुड़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि इस मूवी में हमें आमिर खान, विजय सेतुपति और चिरंजीवी वॉइस ओवर करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, जूनियर एनटीआर और रामचरण के एंट्री सीन पर आमिर खान हिंदी में वॉइस ओवर करते हुए नजर आएंगे, जबकि चिरंजीवी तेलुगु में वॉइस ओवर करते हुए नजर आएंगे, वहीं विजय सेतुपति तमिल में वॉइस ओवर करते हुए नजर आएंगे। बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की, तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको जूनियर एनटीआर के टोपी वाले लुक को लेकर क्या राय है। क्या आपको लगता है कि ये कॉन्ट्रोवर्सल सीन है जिसको लेकर एसएस राजमौली आगे चलकर फंस सकते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की, तो इस मूवी की रिलीज डेट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है कि इस मूवी के डायरेक्टर एसएस राजमौली का कहना है कि जब तक पूरी तरह से लॉकडाउन खुल नहीं जाता और थिएटर में भीड़ इकट्ठा नहीं होने लगेगी, जब तक वो अपनी मूवी को रिलीज नहीं करेंगे, चाहे उन्हें पूरे 1 साल का ही इंतजार क्यों ना करना पड़े। तो ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि ये मूवी हमें कब देखने को मिलती है।